हमारे जन्म के मूल कारण चंद्रमा के चक्र से जुड़े हैं। अगर ये मानव ऊर्जा प्रणाली 1008 पूर्ण चंद्रमाओं को देखती है, जिसमें लगभग 84 साल लगते हैं, तो बहुत कम मदद के साथ आप जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जा सकते हैं। The main source of energy for this planet is the sun. इस पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है और आपका शरीर धरती का बस एक टुकड़ा है। तो दुनिया में जो कुछ भी है उस पर सूर्य का असर बहुत ज्यादा और बड़ा है, लेकिन हमारे सिस्टम पर चंद्रमा का असर भी जबरदस्त है। हालांकि इसके पास सूर्य की तरह ऊर्जा उत्सर्जित करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन पृथ्वी से इसके नजदीकी के कारण ऐसा है। तो जब हम जीवन के तरीकों को समझना चाहते हैं, जिस तरह यह बाहर से हमारे साथ घटित हो रहा है, तो हम सूरज की ओर देखते हैं। When we want to understand the way life is happening from within, we look to the moon. जब हम समझना चाहते हैं कि जीवन भीतर से किस तरह घटित हो रहा है, तो हम चंद्रमा की ओर देखते हैं। तो हमारे सिस्टम पर चंद्रमा के असर को नकारा नहीं जा सकता। हमारे जन्म के बुनियादी कारण चंद्रमा के चक्र से जुड़े हैं। चंद्रमा के चक्र और स्त्री शरीर के स्वाभाविक जैविक चक्र 100% जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारे जन्म का मूल स्रोत चंद्रमा के घूमने से जुड़ा है, क्योंकि शारीरिक रूप से हमारे जन्म और हमारे जीवन की जड़ इसी में है। कई मायनों में मैं तो कहूंगा, आमतौर पर, हमेशा नहीं, आमतौर पर महिलाएं कहीं अधिक अस्तित्वगत होती हैं, क्योंकि उनका शरीर चंद्रमा की भाषा बोलता है। समय की जानकारी रखने को हमें गलत नहीं समझना चाहिए। घड़ियों द्वारा समय की जानकारी रखना वो कुछ नहीं जानती हैं, वो बस यंत्रवत चलती रहती हैं। लेकिन मानव शरीर एक अलग तरीके से समय को जानता है, जो यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। वैसे पृथ्वी और चंद्रमा का कक्षाओं में घूमना भी एक तरह से एक यांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे जीवन पर इसका जो परिणाम या असर होता है वो यांत्रिक नहीं है, ये बहुत जीवंत है। अनुभव के स्तर पर इसका असर बहुत शक्तिशाली है। मानव ऊर्जा के विकास में, इंसान की ऊर्जा प्रणाली के विकास में, अगर ये ऊर्जा प्रणाली 1008 पूर्ण चंद्रमाओं को देख लेती है, जिसमें लगभग 84 साल लगते हैं, तो आपने 7 सौर चक्रों को और 1008 चंद्र चक्रों को पूरा कर लिया होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा प्रणाली एक ऐसे स्तर तक परिपक्व हो जाती है, जहां आप अगर किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया को नहीं भी जानते, लेकिन ये उस स्तर तक परिपक्व हो जाती है जहां पर यह आसानी से खिल सकती है। मृत्यु के बाद ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आपके दादाजी की मृत्यु 84 की उम्र के बाद हुई है, तो आपको ये पक्का यकीन हो सकता है कि वो वापस नहीं आ रहे।
हो सकता है कि उनको मुक्ति प्राप्त ना हो, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे, वो विभिन्न चरणों में हैं। अगर उन्होंने साधना की थी, अगर उनमें कुछ जागरूकता, अगर उन्होंने अपनी देह को जागरूकता के साथ छोड़ी थी, थोड़ी सी भी जागरूकता के साथ, तो निश्चित रूप से वो वापस नहीं आने वाले हैं। अगर आप अपना जीवन बस 700 चक्र और 1008 चंद्र चक्रों को पूरा करने के लिए जी पाते हैं, तब आप धरती के साथ एक खास बंधन को तोड़ सकते हैं। पृथ्वी के साथ आपका बंधन टूट गया है। व्यापक रूप से और बहुत आसानी से, बहुत कम मदद से, भले ही आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ पता ना हो, बहुत थोड़ी मदद से आप जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और उसके पदार्थ के साथ आपका बंधन, जिसकी याददाश्त को आप अपने भीतर ढोते हैं, और आपकी याददाश्त को जो पदार्थ में भी रहती है, उस बंधन को आप तोड़ देंगे। एक बार जब यह बंधन टूट जाता है, तब जो काम किए जाने की जरूरत है वो बहुत आसान होता है। अगर आपके घर में उस उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान है, तो एक चीज जो आप देखेंगे कि उनके जो भी गुण या लक्षण थे, उनके बर्ताव और सामान्य व्यक्तित्व के गुणों के जो भी महत्वपूर्ण लक्षण थे, आप देखेंगे कि 80, 83 से 85 के बीच कभी उनके ये लक्षण नाटकीय ढंग से बदल जाएंगे। मान लीजिए कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा था, आप देखेंगे कि 84-85 साल की उम्र के बाद अचानक वो बहुत खुश मिजाज और अच्छा इंसान बन जाता है। उसके चरित्र में कुछ बदलाव, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। Because the karmic bondage that is holding the person to a certain pattern of behavior will loosen up. क्योंकि कर्म बंधन जो उस इंसान को बर्ताव के खास पैटर्न में जकड़े हुए है, ढीला हो जाएगा। यही कारण है कि हम कहते हैं कि कोई इंसान अगर 84 साल की उम्र के बाद मरता है, हो सकता है कि उस मूर्ख ने कभी पूर्णिमा के चांद को देखने का आनंद नहीं लिया हो, लेकिन उसके शरीर ने इसे देखा है। हो सकता है कि उसकी आंखों ने नहीं देखा हो, लेकिन उसका शारीरिक स्वरूप 1008 चांद का गवा रहा है, जिसका मतलब है कि उसकी कर्म संरचना ढीली हो जाएगी। एक बार जब वो ढीली हो जाती है, तो वो तुरंत दूसरा शरीर नहीं ढूंढ सकता, कोई गर्भ उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो यहाँ वहाँ घूमता रहेगा और हम उसे बहुत आसानी से ठिकाने लगा सकते हैं, बस यूं ही। उसे किसी दूसरी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है, भले ही उसने एक बिल्कुल अनभिज्ञ जीवन जिया हो। लंबी उम्र का यही महत्व है। लोग हमेशा आशीर्वाद देते हैं, आपकी उम्र लंबी हो। जरूरी नहीं कि आप मजे कर रहे हैं, अगर ये एक दुखी जीवन भी है, तो भी आप एक लंबा जीवन जिए, ताकि हम आपसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएं। क्योंकि एक बार जब आपकी कर्म संरचना ढीली हो जाती है, तो एक और गर्भ खोजना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल। तो यही वो दौर होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होगा जो इन चीजों को कहीं पर विसर्जित कर देगा, जहां भी हो। भले ही उन्होंने अपने जीवन में किसी भी आध्यात्मिक आयाम को नहीं जाना हो, तो अगर आप किसी भी चीज के लायक नहीं हैं, कम से कम पर्याप्त लंबे समय तक जिए। मेरे आसपास ऐसा मत कीजिए। अगर आप दुखी हैं, तो अपने दुखों को कहीं और जाकर कीजिए और 84 की उम्र में आ जाइए। हम आनंदमय लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। 84 की उम्र में आपका स्वागत है।